वेलकम टू अनदर क्रेडिट कार्ड रिव्यू वीडियो फ्रॉम पैसा बाजार। जब भी प्रीमियम क्रेडिट कार्ड की बात आती है तो सबसे पहले HDFC इन्फिनिया या एक्सिस मैग्नस जैसे कार्ड का नाम आता है, लेकिन कुछ अंडररेटेड प्रीमियम कार्ड्स भी हैं जिनकी मार्केट में उतनी पॉपुलैरिटी नहीं है, बट दे कैन ऑफर गुड वैल्यू टू द यूजर्स। आज हम एक ऐसे ही कार्ड की बात करने वाले हैं जो है येस बैंक का मार्की क्रेडिट कार्ड। ज़्यादातर प्रीमियम कार्ड्स की तरह मार्की भी मल्टीपल स्पेंडिंग कैटेगरीज पे बेनिफिट ऑफर करता है, जैसे ट्रैवल, शॉपिंग, डाइनिंग, गोल्फ एंड मच मोर। और पीपल विद मंथली इनकम ऑफ 3 लाख रुपीज़ और मोर कैन अप्लाई फॉर दिस कार्ड। हालांकि इस कार्ड की ज्वाइनिंग फी 9999 रुपीज़ है, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको सिर्फ 4999 रुपीज़ की एनुअल फ़ी पे करनी होगी, और साल में 10 लाख रुपीज़ की स्पेंडिंग लिमिट रीच कर लेने पर यह एनुअल फ़ी भी वेव ऑफ हो जाएगी। ये कार्ड वेलकम बेनिफिट के थ्रू अपनी हायर ज्वाइनिंग फ़ी को ना सिर्फ कॉम्पनसेट करता है, बल्कि उससे कई ज़्यादा बेनिफिट्स ऑफर करता है बाय ऑफरिंग 60,000 रिवॉर्ड पॉइंट्स जिनकी वैल्यू 15,000 रुपीज़ होगी। ज़्यादातर प्रीमियम कार्ड्स वाउचर या कॉम्प्लीमेंट्री मेंबरशिप के फॉर्म में वेलकम बेनिफिट ऑफर करते हैं, जो कि कुछ यूज़र्स के लिए थोड़ा लिमिटिंग हो सकता है, लेकिन बोनस रिवॉर्ड पॉइंट्स को यूज़र्स अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग फ्लाइट एंड होटल बुकिंग्स, वाउचर परचेज या फिर एयर माइल्स के फॉर्म में रिडीम कर सकते हैं। नाउ लेट्स कम टू येस मार्की रिवॉर्ड्स प्रोग्राम। इस कार्ड के साथ आपको हर 200 रुपीज की ऑनलाइन स्पेंड पर मिलते हैं 36 रिवॉर्ड पॉइंट्स और ऑफलाइन स्पेंड पर 18 रिवॉर्ड पॉइंट्स। ये कार्ड वॉलेट लोडिंग, रिचार्ज, रेंट, यूटिलिटी बिल, इंश्योरेंस एंड गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन जैसी कैटेगरीज पर भी 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स देता है, जो कि जनरली दूसरे क्रेडिट कार्ड्स के रिवॉर्ड्स प्रोग्राम से एक्सक्लूडेड होती हैं। हाँ, लेकिन इस कार्ड पे भी कुछ एक्सक्लूजन्स हैं, जैसे कि फ्यूल, EMI ट्रांजैक्शंस और कैश विड्रॉल्स, जिन पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। हालांकि मार्की पे रिडेम्पशन रेट इज ओनली 25 पैसा फॉर ईच रिवॉर्ड पॉइंट। इसका अर्निंग रेट ज़्यादा होने की वजह से ओवरऑल रिवॉर्ड रेट काफ़ी अच्छा निकल के आता है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस पर यू गेट 4.5% वैल्यू बैक, which is even better than Infinia and ICICI Emerald Private. Offline spends per 2.25% की value मिल रही है, which is again quite good. लेकिन redemption options के terms में ये card पीछे रह जाता है। आप या तो points को Yes Bank के rewards catalog के through redeem कर सकते हैं, या फिर Club Vistara points या Intermiles में convert कर सकते हैं। इसके comparison में other premium cards offer wider choice for redemption. अब बात करते हैं इस कार्ड पर मिलने वाले ट्रैवल बेनिफिट्स की। एक साल में आपको मिलेंगे 24 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंजेस। ये बेनिफिट एड ऑन यूजर्स के लिए भी एक्सटेंड किया गया है। इसके साथ ही यू गेट 8 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लाउंज विजिट्स इन अ ईयर फॉर गेस्ट एंड 1% फॉरेक्स मार्कअप फी, जो कि ओवरऑल इस कार्ड को इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनाते हैं। इसके साथ ही आपको इस कार्ड पर मिलते हैं एक साल में 12 कॉम्प्लीमेंट्री गोल्फ लेसन्स और 4 ग्रीन फी वेवर एट सेलेक्ट गोल्फ कोर्सेज। बुक माई शो पे यू गेट बाय वन गेट वन ऑफर ऑन मूवीज। कुछ चुनिंदा रेस्टोरेंट्स पे आप 15% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं, और साथ ही 1000 रुपीज तक का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिलेगा। तो क्या आपको ये क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए? जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, इस कार्ड के रिडेम्पशन ऑप्शंस आर नॉट दैट ग्रेट, स्पेशली अगर आप रिवॉर्ड पॉइंट्स को AMIs या होटल लॉयल्टी पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो। लेकिन येस मार्की हाई स्पेंडर्स और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस कार्ड पर आप मैक्सिमम रिवॉर्ड्स ऑनलाइन स्पेंड पर अर्न कर सकते हैं, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा परचेजेस ऑनलाइन ही करते हैं तो इस कार्ड से आप काफ़ी अच्छा वैल्यू बैक अर्न कर पाएंगे। तो इसके ओवरऑल बेनिफिट्स को कंसिडर करते हुए हम इसे देते हैं 4 out of 5 stars। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। वी विल बी बैक विद मोर सच क्रेडिट कार्ड रिव्यूज़।